नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अंधेरे में कविता की समीक्षा पढ़ रहे थे, आज हम 17वें पद की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है, गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था, तिलिस्मिक होम में देखा था एक बार, आखिरी बार ही। पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल, वह फटेहाल रूप तड़तरंगी, वही गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव, वह सकर्मक प्रेम का वह अतिशयता, वही फटेहाल रूप परम अभिव्यक्ति, लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क में झांक झांक कर देखता हूँ, हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभव। संदर्भ: रहस्यमय व्यक्ति को अपना गुरु तथा अपनी अभिव्यक्ति बताते हुए कवि कहता है, क्या कहता है कवि, कि वह रहस्यमय व्यक्ति मेरी अज्ञात समृद्धि का परम उत्कर्ष एवं परम अभिव्यक्ति है, मैं उसका शिष्य हूँ और वह मेरा गुरु है, किंतु वह कभी मेरे समीप नहीं बैठा और न ही कभी मेरे पास आया। उसे मैंने प्रथम और अंतिम बार गुफा में देखा था। वह जगवासियों के रूप में फटेहाल गलियों में इधर उधर घूमता रहता है। उसकी गति में विद्युत जैसी स्फूर्ति है। उसका मस्तिष्क और उसके मस्तिष्क के तंतु ज्ञान तनाव से तने रहते हैं। वह फटेहाल रहता है, किंतु उसे क्रियाशीलता और गतिशीलता के अत्यधिक स्नेह हैं। कवि आगे कहता है कि मेरी वह परम अभिव्यक्ति लगातार संसार में घूमती है, पता नहीं वह कहाँ होगी, अर्थात उसके रुकने का एकमात्र और अनंतिम स्थान कौन सा होगा। इसी कारण उसके खोजने की लालसा में मैं निरंतर इधर उधर हर गली में हर सड़क पर घूमता रहता हूँ, ताकि वह मुझे मिल जाए। इतना ही नहीं, मैं प्रत्येक चेहरा, उसकी प्रत्येक गतिविधि, उसका संपूर्ण चरित्र आदि देखता रहता हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का इतिहास देखने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ साथ मैं प्रत्येक देश, उस देश की राजनीतिक गतिविधि, वहाँ के मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया और क्रियागत परिणतियों का अध्ययन करता हूँ। अपनी परम अभिव्यक्ति, अपनी आत्मसंभव तथा अनिवार्य परम अभिव्यक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं निरंतर प्रत्येक पठार पहाड़ और समुद्र को भी खोजता रहता हूँ। कवि की एकमात्र इच्छा यह है कि उसकी जो आत्मा विव्यक्ति या अस्मिता उससे अलग होकर खो गई है, वह उसे पुनः प्राप्त कर सके। अस्मिता की खोज में कवि लगा हुआ है। अलंकार, उल्लेख, चेतना के कई नाम, पुनरुक्ति, प्रकाश, झांक झांक, दीप्सा, जाने कहाँ। दृश्य बिंब की कल्पना की गई है। कवि ने अपनी परम अभिव्यक्ति को अपना गुरु और स्वयं को उसका शिष्य माना है। ऐसा ही भाव उन्होंने अपनी कविता ब्रह्म राक्षस में भी व्यक्त किया है। ब्रह्म राक्षस की एक पंक्तियाँ कुछ बताई गई हैं। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सके। अगले पद पर आते हैं, 18वां पद। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब ओर, निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलिल के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कोहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं, वह समझ में आता है। शब्दार्थ: निस्तब्ध, शांत, सलिल, जल, हतप्रभ, हैरान। संदर्भ: संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंधकार में स्थित तालाब को
प्रतीक रूप में ग्रहण करते हुए अपनी अस्मिता के साक्षात्कार का वर्णन किया है। कवि अस्मिता की खोज में निकला हुआ है और अंधकार में भी जो तालाब है उसे एक प्रतीक के रूप में ग्रहण करते हुए उससे अपनी अस्मिता के साक्षात्कार का वर्णन करता है। कैसे करता है? कवि कहता है कि शहर के बाहर पहाड़ी की दूसरी ओर तालाब है जहाँ गहन अंधकार है, उसका जल भी काला और शांत है। अंधकार से पूर्ण उस जल रूपी शीशे में सहसा कोई श्वेत आकृति उभरती है। धीरे धीरे उसका चेहरा कुहरीला, सरलता से न दिखाई देने वाला बनकर विस्तृत होने लगता है। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी और उसकी पहले से ही जान पहचान है, किंतु मैं उस यह सोचकर अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि वह आकृति मुझे तो पहचानती है परंतु मैं उसे नहीं पहचानता। बहुत ही सुंदर तरीके से मुक्तिबोध जी ने यहाँ फैंटेसी का प्रयोग करते हुए तालाब को प्रतीक रूप में ग्रहण किया है अस्मिता की खोज में। विशेष क्या है इसमें, पांचवी पंक्ति में रूपक अलंकार है और मुक्तिबोध ने जीवन को व्याख्यायित करने के लिए तालाब बावड़ी के प्रतीक चुने हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविता में भी उन्होंने तालाब के प्रतीक की योजना प्रस्तुत की थी। थोड़ा उसके भी उदाहरण देख लेते हैं कि सामने है अंधियाला ताल और स्याह उसी ताल पर समलाई चांदनी, समय का घंटा घर निराकार घंटा घर, गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है। तथा और उस अधियाले ताल के उस पार नगर निहारता सा खड़ा है पहाड़ तक एक लोहे की नभचुंबी शिला का चबूतरा लोहांगी कहता। प्रस्तुत पंक्तियों पर टिप्पणी करते हुए एक आलोचक ने लिखा है कि इन पंक्तियों में कवि ने अपने मनोद्वंद का अंकन किया है। कवि की अस्मिता उसे बार बार विवश करती है कि वह उसे पहचान कर उसकी इच्छानुसार भाव विचार और कृत्यों में संलग्न हो, किंतु चूंकि उसकी यह अस्मिता कवि के उन भाव विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जो समाज के शासक और शोषक वर्ग पर आघात करती है, अतः कवि चाहता है कि वह अपनी अस्मिता की पुकार सुनकर अपने जीवन को झंझटों में न उलझाए। जानकर भी अनजान बने रहने के मूल में कवि की यही विचिकित्सा है। अगला पद है 19वां। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीस पर नाच नाच उठती है बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर की। अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खो का शिला द्वार खुलता है धड़ से। घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात तेजी तेजो प्रभाव में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर। गौर वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका भव्य आजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेश। कवि की जो अस्मिता की खोज की जो श्रृंखला है उसमें कवि बहुत गहरे में पहुंच जाता है और कवि का जो वर्णन है वो इतना जबरदस्त है कि उसका जितने बार आप पढ़ोगे उतना अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो देख लेते हैं। सर, शब्दार्थ त्रिस्मी खोज जादुई गुफा, स्नात नहाया हुआ, दीप्त दृग चमकते नेत्र, आजानुभुज घुटनों तक लंबी भुजाओं वाली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने रहस्य और रोमांच से भरपूर अपनी अस्मिता का वर्णन किया है।
अपनी अस्मिता का ही वर्णन कर रहे। कवि ने मानो ऐसा विचित्र दृश्य देखा है जिससे वह आश्चर्य या विमुख हो उठा। अतएव वह विस्मित होकर कह उठता है कि अरे ये कैसा विचित्र दृश्य है। उस अंधकार के परिपूर्ण तालाब के इधर उधर खड़े हरे हरे वृक्ष अचानक चमक उठते हैं। उन वृक्षों की चोटियों पर बिजलियां नाच उठती हैं। वृक्षों की शाखाएं डालियां झूमती हुई छटपटाती हुई तथा चीखती हुई एक दूसरे पर सिर पटक रही हैं। तभी अचानक वृक्षों के अंधकार में छिपी हुई किसी जादुई गुफा का शिला द्वार धड़ाके से खुल जाता है। उस गुफा के अंधकार पूर्ण विवर में एक अद्भुत मसाल जलने लगती है जिसके कारण उस गुफा में छाया कोहरा भी लाल लाल प्रतीत होने लगता है। इस लाल कोहरे में कवि को लाल प्रकाश में नहाए हुए एक रहस्यमय व्यक्ति का साक्षात्कार होने लगता है। उस रहस्यमय आकृति के तेजोदीप्त मस्तक को देखकर वह अपने अंग प्रत्यंगों में एक अजीब थरथराहट का अनुभव करने लगता है। उस आकृति के गौरवर्ण चमकते नेत्रों सुंदर मुख तथा संभावित स्नेहिल प्रिय रूप देखकर कवि के मन में जहाँ विलक्षण आशंका उत्पन्न होती है वहीं उसका हृदय उस अजानुभुज भव्य आकृति को साक्षात देखकर एक गहन संदेह में डूब जाता है। विशेष चमक चमक नाच नाच आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अद्भुत भयानक रसों का परिपाक हुआ है। दृश्य श्रव्य बिंब योजना है। इन पंक्तियों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर राजनारायण मौर्य ने लिखा है कि मुक्तिबोध शब्दों द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं कि पाठक न जाने कब अपने वातावरण का चोला उतार कर कविता के वातावरण में प्रवेश कर जाता है और वह शब्दों के साथ चलता जाता है और तब तक शब्द अपना वातावरण स्वयं न समेट ले रहस्य रोमांच जिज्ञासा आदि के वातावरण को कवि अत्यंत साधारण शब्दों में निर्मित कर देता है। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त प्रतीकों की व्याख्या डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने इस प्रकार की है। क्या क्या है व्याख्या? बाहर शहर के आम मनुष्यों से भिन्न है। पहाड़ी के उस पार कवि का सिर पहाड़ी की भांति ही ऊंचा होता है। अंधेरा तालाब मस्तिष्क, हरे हरे वृक्ष नाना प्रकार के भाव विचार, नाश्ती बिजलियाँ क्रांतिकारी विचार, डालियों की टकराहट विचारों का द्वंद्व मानसिक संघर्ष, तिलिस्मिक हो कवि का अवचेतन, लाल लाल मसान क्रांतिकारी जागरूक विचार, रक्तालोक स्नात पुरुष क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत कविता की अस्मिता, आसपास लाल लाल मसाल में पद मैत्री। तो दोस्तों आज हम 19वें पद तक ही करेंगे और 20वां पद हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो दोस्तों आज हमने 17, 18 और 19 पदों को ये व्याख्याएं देखी। आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।